नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत मतलब साथ साथ वाले, जैसे 20 21 22 23 18 19 12 13, इस प्रकार के साथ साथ वाले। धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक यानी प्लस वाले पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं, मान लो पहला पूर्णांक है x, तो जो दूसरा पूर्णांक होगा वो इससे या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा, तभी क्रमागत बनेंगे, साथ साथ वाले बनेंगे। तो हम इसे मान लेते हैं दूसरे पूर्णांक को x प्लस वन। प्रश्न के अनुसार दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी x का वर्ग और x प्लस वन इसका वर्ग, इन दोनों का योग, योग यानी प्लस, ये 365 के बराबर है। अब हमें इसे हल करना है। बेसिकली x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस वन होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी है वन, वन का स्क्वायर बराबर 365। अगले स्टेप में देखिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x² प्लस 2 × x इंटू वन, 2 × 1 × 2 × x, 2x प्लस वन। 365 बराबर के उधर है, प्लस का निशान है, बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस का निशान हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। बराबर के उधर से 365 इधर आ गया, बाकी वहां पे बच जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में देखिए, 2x² प्लस 2x, ये बिना x वाली रकम में है, प्लस माइनस माइनस, 365 में से एक निकाला 364, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 365, उसके साथ जो निशान है वो है माइनस, तो 364 के साथ भी आ जाएगा माइनस बराबर 0। देखो ये भी दो के पहाड़ में आ रहा है, ये भी दो के पहाड़ में आ रहा है, इसके पीछे चार है यानी ये भी दो के पहाड़ में आ रहा है। तो हम इस द्विघात समीकरण को सरल बनाने के लिए इन तीनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं। 2x² में से दो कॉमन आ गया, बाकी रह गया x², 2x में से दो बाहर चला गया, बाकी रह गया x माइनस 364 में से दो कॉमन, तो 362 नहीं लिख देना, 364 को दो से भाग करना है। दो एकम दो, तीन में से दो गए एक, 6 16, 2 8 16 और 2 2 4 बराबर 0। अगले स्टेप में ये दो इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा, 0 से भाग हो जाएगा। जब भी कोई नंबर 0 से भाग होता है तो आंसर आ जाता है 0, और यहाँ हमारे पास बच गया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई है द्विघात, हमें इसे हल करना है। सबसे पहला स्टेप आप बहुत बार कर चुके हो, यदि इस x² के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। अब x² के गुणांक को बिना x वाली रकम से गुना कर दो, तो 1 को माइनस 182 से गुना कर दो, तो हमारे पास आ गया माइनस 182। ठीक है, 182 के अब हम फैक्टर निकालेंगे। पहले तो ये 1 के पहाड़े में आता है 1 × 182, 2 के पहाड़े में आता है 91, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा 8 × 1 9 और 2 11, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में, जब 3 के पहाड़े में नहीं आया तो 6 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में आ जाएगा क्योंकि 13 7 91 होता है, 13 2 26, ये हो जाएगा 26 × 7 182। इसी प्रकार से 8 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा, 10 के 11 के 12 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा, 13 × 14 182। इसके अलावा ये और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। अब जैसा कि हम करते हैं क्वेश्चन में, इसके साथ यदि कुछ नहीं लिखा है तो लिखा है 1, हमें इन चार जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा लेना है जिसको प्लस या माइनस करके 1 आए। 182 और 1 को प्लस करके आएगा 183, माइनस करके आएगा 181, यानी कि ये जोड़ा तो हमें नहीं चाहिए। 91 को 2 से प्लस किया 93, 91 में से 2 माइनस किया 89, ये जोड़ा भी हमें नहीं चाहिए। 26 में 7 प्लस किया 33, 26 में से 7 माइनस किया 21, ये जोड़ा भी हमें नहीं चाहिए। 14 में 13 प्लस किया 27,
14 में से 13 माइनस किया एक, ये जोड़ा हमें चाहिए क्योंकि 14 में से 13 माइनस किया एक आता है जो कि बीच वाली रकम है, यानी ये जोड़ा हमें लेना है। तो पहले भी हमने किया ऐसे सवाल, पहला रकम ऐसे लिख देना है, आखिरी रकम भी ऐसे लिख देनी है, बराबर जीरो भी ऐसे लिख देना है। जो हमने जोड़ा लिया उनके साथ लिख दो एक्स। अब यहां वापस आ जाएं, 182 के साथ निशान कौन सा है? माइनस। इसका मतलब इन दोनों के निशान उल्टे होंगे एक दूसरे से, यानी एक प्लस एक माइनस। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा उसके लिए हम यहां जाएंगे। ये 1x के साथ निशान है प्लस, तो ये प्लस का निशान इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ डाल दो। बड़ी रकम है 14x, तो इसके साथ प्लस का निशान, तो 13x के साथ उल्टा यानी कि माइनस का निशान। अब जैसा हम पिछले प्रश्नों में भी करते आए हैं, पहले दो को हम अलग पेयर मानेंगे और दूसरे दो आखिरी दो को हम अलग पेयर मानेंगे। तो इन दोनों में से आप देखें तो x कॉमन, एक्स स्क्वेयर में से x बाहर चला गया बाकी रह गया x, माइनस 13x में से x बाहर चला गया बाकी रह गया 13। इन दोनों, ये 182 भी 14 के पहाड़े में आता है, तो इनमें से प्लस 14 कॉमन, 14x में से 14 कॉमन बाकी बच गया x, माइनस 182 को 14 से भाग करेंगे बाकी बचेगा 13 बराबर 0। यहाँ भी x माइनस 13, यहाँ भी x माइनस 13, तो x माइनस 13 कॉमन, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस 14 बराबर 0। दो ब्रैकेट्स को गुना करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 के बराबर होगी या दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर होगी। तो यहां से x आया, ये यहां इधर माइनस 13 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 13। यहां से x आया, ये 14 है प्लस का इधर x के साथ, उधर जाएगा तो 0 में से 14 माइनस हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा तो ये आ जाएगा -14। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो x बराबर -14 हम नहीं लेंगे क्योंकि यह धनात्मक नहीं है, यह पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास x की एक ही वैल्यू रह गई, वो है x बराबर 13, वो है x बराबर 13। हमें निकालना क्या है? पूर्णांक निकालने हैं। तो पहला पूर्णांक, सॉरी, पहला पूर्णांक किसके बराबर है? x के बराबर है, और x अभी हमारा किसके बराबर आया है? 13 के बराबर। इसी प्रकार से दूसरा पूर्णांक, देखिए ध्यान से, दूसरा पूर्णांक किसके बराबर है? x प्लस 1, तो x है 13, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। इसका अर्थ यह है इस प्रश्न में हमसे कहा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो क्रमागत यानी साथ साथ वाले, धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो वो जो दो पूर्णांक है वो आए हैं 13 और 14। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। जिस भी स्टेप से आपको ना समझ आया हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, दोबारा देखिए, ये अवश्य आपको समझ आएगा। यदि हमारे द्वारा की गई ये छोटी सी मेहनत आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।